दोस्तों आज हम कुछ खास मुद्दों पे बात करने वाले हैं जिनके पास पैनल कम है, वो कम पैनल में अपना सेटअप को एक हैवी सेटअप चलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी टाइम का है जो आपके संग हम शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हमारे इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की दिक्कत है, मतलब पैसे कम हैं, कम पैसों में उनको अधिक लोड चलाना है और उनके पास बजट कम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कम पैनल में अधिक लोड चलाना है तो यहाँ पे जो आशा पावर है MPPT उसके मुकाबले कोई इन्वर्टर नहीं है, सब फेल है, सब कचड़ा है। क्यों? अब आशा पावर और एक MPPT इन्वर्टर में ला के चेक कीजिएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो फिर अगर आपको AC चलाना है, घर का इंडक्शन चलाना है, एक हैवी लोड चलाना है, सबमर्सिबल पंप चलाना है, तो आप ओनली 2000 वाट तक के पैनल आप ले लीजिए, तो 1500 वाट तक के पैनल ले लीजिए और एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लीजिए, मतलब कि नॉन सोलर इन्वर्टर, और साथ में आप 4 बैटरी लगा लीजिए, आप चलाइए 5 किलोवाट का लोड, फर्स्ट क्लास चलेगा। अगर 5 किलोवाट का आपके पास क्षमता नहीं है तो आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेके 2 बैटरी ले लीजिए, और जो आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर रहेगा वो कम से कम आपका 1 टाइम में एक समरसिबल पंप और आपका 1 टाइम में एक AC आपका चला देगा। तो ये दोस्तों ये पैसा बचाने का तरीका है। मैं आपको बता दूं, मैं आशा पावर करीबन 1 साल के ऊपर इस्तेमाल किया। मैंने माइक्रोट का इन्वर्टर लाया, UTL का इन्वर्टर लाया, लुमिनियस का मैंने इन्वर्टर लाया और एक दो ब्रांड का मैंने इन्वर्टर लाया, MPPT लाया। बट एक कम बजट में अगर एक अच्छी VOC, अच्छी एम्पियर, अच्छी लोड अगर बैकअप चाहिए तो आशा पावर बेस्ट है। उसका मैं MPPT की बात कर रहा हूँ, और उसका जो इन्वर्टर है दोस्तों वो तो और बेस्ट है, क्योंकि आशा पावर एक हाई VOC, एक हाई बूस्टिंग, उसके अंदर कंडेंसर सिस्टम लगाए, क्वाइल लगाए बूस्टिंग, क्योंकि एक अच्छा से काम करेगा। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको बूस्ट करना है सबसे अधिक अपने VOC को, अपने एम्पियर को, अपने लोड को, हर चीज़ को, तो आप आशा पावर को ले लीजिएगा, और ज़्यादा महंगा मत लीजिएगा। आशा पावर का अलग अलग वेरिएंट में आता है, Amazon पे जाइए, 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। आप अपना 24 वोल्ट का एक नॉर्मल इन्वर्टर आपको मिल जाएगा मार्केट में 17 से 18 हज़ार रुपये का विदाउट MPPT वाला, और आशा पावर लेके 2 बैटरी डालकर चलाइए। सिर्फ 3 पैनल आप 550 वाट के लगा दीजिए, अगर आपका ना चलेगा तो मुझसे बताना, दौड़ेगा एकदम, बहुत मस्त चलेगा। मैं आशा पावर को भी लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा अपना सिस्टम को बढ़ा रहा हूँ। ये देखो, आप लोग को कुछ दिखाना है, कुछ करना है, तो मैं कुछ करूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा तो आपको सीख मिलेगा। तो मेरी इन सब बातों को आप लोग ध्यान देकर चलना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका पैसा 100% बचेगा और आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा। पहला, आशा पावर MPPT ले लीजिए करीबन 7 से 8 हज़ार वाला, और 2 बैटरी ले लीजिए 150 एम्पीयर का ले लीजिए, और एक इन्वर्टर ले लीजिए 24 वोल्ट का आप लगा लीजिए, और 3 पैनल ले लीजिए 550 वाट का, या 2 ही पैनल ले लीजिए। अगर ना चलेगा तो फिर मुझसे बताना कि भाई नहीं चल रहा है। बट एक बात सत्य है, रियलिटी है कि आशा पावर का मुकाबला अभी कोई नहीं कर सकता बूस्टिंग के मामले में। अगर सोलर से कम VOC आ रहा है तो भी बूस्ट करके आपको हाई एफिशिएंसी और हाई चार्जिंग आपको दे सकता है, ये है उसकी क्वालिटी। तो आप बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।